नमस्कार। नमस्कार, मैं पंकज मित्तल। स्वागत है आपका विद्या कंप्यूटर एकेडमी छानीबड़ी की ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारियाँ और पेंट बूस स्टार्ट कर लिया था हमने। सॉफ्टवेयर पेंट बूस के हमने टूल्स वगैरह पढ़ लिए थे। अब हम करते हैं आगे। ये हमारा पेंट बूस सॉफ्टवेयर था। हमने ऊपर वाली जो बार है इसको बोलते हैं टाइटल बार, ये जो है इसको बोलते हैं मेनू बार, ये जो है ये टूल्स होते हैं, इस बॉक्स को टूल बॉक्स बोलते हैं, ये अपना कलर बॉक्स है और ये क्या है, ये स्क्रॉल बार है। इन चीज़ों को मैं पहले बता चुका हूँ। ये वाली स्टेटस बार है, टास्क बार से ऊपर, कलर बॉक्स से नीचे, ये क्या है, स्टेटस बार है। अब देखिए मेनू का क्या यूज़ होता है। सबसे पहले हम छोटा सा कुछ बनाते हैं, जैसे मान लिया ये मैंने बनाया, यहाँ से कलर डाल सकते हैं, ये हम कर चुके हैं। तो ये हमने अपना कुछ पेंटिंग बनाई, इसमें कलर डाल लेते हैं, जैसे ये है, ये है। देखिए फाइल में, सबसे पहले फाइल मेनू करते हैं। सबसे पहले है न्यू मेनू, न्यू ऑप्शन है इसका, फाइल मेनू का न्यू। इसके आगे इसकी शॉर्टकट की विधि है कंट्रोलर, इस पर क्लिक करेंगे। कंट्रोलर प्रेस करने से भी ये काम होगा और इस पर क्लिक करने से भी ये पूछ रहा है, जो हमने पहले फाइल बनाई इसको सेव करनी है या नहीं करनी। हम कह देंगे नहीं करनी, एक बार डोंट सेव कर देते हैं इसको। तो ये देखिए नया पेज ओपन हो गया। इस तरीके से हम पुराना बना हुआ पेज को हटा कर नया पेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ओपन क्या होता है, इससे हम पुरानी बनी हुई फाइल को अपने इस पेंट बूस के अंदर ओपन कर सकते हैं। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई फाइल सिलेक्ट करेंगे अपन, जैसे ये वाली कर लेते हैं। जैसे अपन ओके करेंगे ये ओपन होगी ये फाइल अपनी, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको ओपन कर सकते हैं। अब देखिए सेव क्या काम आता है। जैसे हम कोई फाइल बना रहे थे, जैसे हम कोई फाइल बना रहे हैं, इसको सेव करना है, हमेशा के लिए सुरक्षित करना है कंप्यूटर में, तो अपने को सेव फाइल ऑप्शन का हमें देना होगा। इसके लिए फाइल में जाएंगे, सेव ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से देखो अपने फाइल का नाम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको फाइल का नाम दे देंगे जो भी अपने को देना है। जैसे मैं इसका फाइल का नाम दे देता हूँ फाइल वन। जैसे ही सेव करूँगा यहाँ से फाइल वन नाम आ गया और ये अपनी फाइल हमेशा के लिए कंप्यूटर के अंदर सेव हो गया। तो ये होता है सेव करना। अब इसके नीचे सेवेज भी है। सेव और सेवेज में क्या अंतर होता है, देखो सेव की फाइल के अंदर कुछ परिवर्तन करके उसको हम नए नाम से सेव करना चाहें तो सेवेज का यूज किया जाता है। जैसे मान लिया इसके अंदर मैंने कुछ बदलाव कर दिया, ये बदलाव कर दिया मैंने। अब देखो अगर मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये बदलाव जो हमारी फाइल वन नाम से फाइल थी उसी के अंदर ये बदलाव सेव हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ परिवर्तन कर दिया उसके बाद में मैं इसको नए नाम से सेव करूँ, जैसे इसको मैं नए नाम से सेव करूँ तो सेवेज पे क्लिक करना होगा। इससे ये हमसे दोबारा से फाइल का नाम पूछ लेगा। जैसे इसका नाम मैं देता हूँ फाइल टू, सेव कर दिया, यानी इसने सेवेज पे क्लिक करने से हमसे इस फाइल का नाम दोबारा से पूछा। अब ओपन से हम इन दोनों फाइलों को देख सकते हैं कि दो फाइलें बनी है नहीं बनी अपनी। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा लार्ज आइकन कर देता हूँ ताकि अपने को बनी हुई फाइलें भी दिखे। ये देखिए फाइल वन और फाइल टू दो फाइलें हो गई, ठीक है। ये अपनी पहले से बनी थी, मैं एक बार ये ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है। जब हम प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं तो उससे पहले देखने के लिए कि अपनी
फोटो कितने पेजों में निकलेगी, किस तरीके से निकलेगी, कितना मार्जिन वगैरह सेट करना है, तो वो चीज़ हम प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी प्रिंट प्रीव्यू केवल ये देखने के लिए काम में आता है कि जब हम पेज को प्रिंट कर रहे होते हैं तो कितने पेजों में निकलेगा, किस तरीके का प्रिंट निकलेगा। तो देखिए, करते हैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक। ये अपना प्रिंट प्रीव्यू देखिए, नेक्स्ट पेज करेंगे तो आगे वाला पेज आ जाएगा, नेक्स्ट पेज करेंगे उससे आगे बढ़ेगा, यानी कुल मिला के 3 पेजों में अपना प्रिंट आउट निकलेगा अगर हम पेज के हिसाब से निकालेंगे। प्रीवियस करें तो पीछे वाले पेज दिखा देगा, नेक्स्ट पेज करेंगे तो आगे वाले दिखा देगा। अगर हम इसको करते हैं 2 पेज पे क्लिक, तो ये क्या करेगा, 2 पेजों को साथ में दिखा देगा। प्रीवियस पेज करेंगे पीछे वाले, और प्रीवियस करेंगे और पीछे वाले, नेक्स्ट करेंगे आगे वाले 2 पेज, ठीक है। फन पेज करेंगे तो ये एक एक पेज करके अपने को शो करेगा। जूम इन से क्या करेंगे, जूम इन से ये जूम हो जाएगा, जूम आउट से वापस छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्लोज से क्या हो जाएगा, ये प्रिंट पर ही अपना क्लोज हो जाएगा। और प्रिंट से क्या होगा, जैसे ही हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे, अगर अपने कंप्यूटर के साथ में प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो ये पेज है वो प्रिंट हो जाएंगे डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक करने से। अभी प्रिंटर जुड़ा हुआ नहीं है तो इस पर हम अभी क्लिक नहीं करेंगे, जैसे ही क्लोज पर क्लिक करेंगे ये अपना प्रिंट पर क्लोज हो जाएगा। ये था अपना प्रिंट पर। अब पेज सेटअप ऑप्शन है, पेज सेटअप से क्या होता है, पेज सेटअप से पेज की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है भाई। A4 साइज पे प्रिंट निकालना है, मार्जिन कितना छोड़ना है, वो सब काम इसके अंदर होता है पेज से संबंधित सेटिंग। ये देखो, इसमें काफ़ी सारी सेटिंग है, यहाँ केवल मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा, एक साइज, एक ओरिएंटेशन और एक मार्जिन। बाकी ये चीज़ें एम एस वर्ड में आपको समझाऊंगा, वहाँ विस्तृत रूप से दिया हुआ है तो आपको वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा, या शॉर्ट रूप में है। तो सबसे पहले पेज, पेज का साइज अलग अलग होता है, उनके अलग अलग नाम होते हैं, A5 साइज, B5, ठीक है, लेटर, लीगल, अलग अलग पेज साइज के हिसाब से उनके अलग अलग नाम होते हैं। अपन जो पेज साइज प्रिंट आउट निकालना है वो पेज हम इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पेज होते हैं वो जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो किया जाता है A4 साइज का पेज, ठीक है, और भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। इसके बाद में है ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, ये होता है पेज की सेटिंग, यानी पेज को खड़ा पेज प्रिंट करना है या ऐसे बड़ा पेज प्रिंट करना है, ठीक है। दोनों ऑप्शन होते हैं अपने पास, हम किसी भी तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं, ठीक है। मार्जिन क्या होता है, अब देखो जब हम कोई पेज प्रिंट करते हैं तो उसके चारों तरफ जगह छोड़ी होती है, बिल्कुल कोणों पे शब्द वो प्रिंट नहीं होते। आपने देखा हो कोई पेज प्रिंट होता है तो उसके चारों तरफ जगह छोड़ी होती है, जैसे इसमें ये देखो ये चारों तरफ जगह छोड़ी हुई है ना, ये वाले, इसको बोलते हैं मार्जिन। कितने जगह छोड़नी है चारों साइड, चारों तरफ में, जैसे लेफ्ट से 0.75 इंच में मार्जिन है, राइट से भी 0.75 है, यानी चारों तरफ से 0.75 इंच मार्जिन छोड़ा हुआ है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जैसे मैं 1 इंच कर देता हूँ लेफ्ट से, देखो 1 इंच हो गया, राइट से भी 1 इंच कर देता हूँ, राइट से भी 1 इंच हो गया, ऊपर टॉप यहाँ से भी 1 इंच कर देता हूँ, यहाँ से भी 1 इंच हो गया देखो, और मैं बॉटम से भी 1 इंच कर देता हूँ तो बॉटम से भी 1 इंच हो गया, ठीक है। अब देखो इसको जैसे ओके करेंगे, अपने पास जो सेटिंग की थी उसी सेटिंग के हिसाब से अपना पेज प्रिंट होगा, ठीक है। अब इससे आगे का ऑप्शन होता है वो है प्रिंट का, इस पर क्लिक करते ही प्रिंट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ कितने पेज कॉपियाँ प्रिंट निकालनी है, यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, एक से ज़्यादा प्रिंटर अपने पास उसकी लिस्ट यहाँ रहती है, ठीक है। जैसे अभी कैनन MF 230 सीरीज वाला प्रिंटर एक इंस्टॉल किया हो तो यही सिलेक्ट है अभी एक बार, ठीक है। तो यहाँ से कितनी कॉपियाँ प्रिंट निकालनी है हर एक पेज की, जैसे 2 कॉपियाँ निकालनी है, 2 डाल लेते हैं, तो जैसे अपने पास टोटल 3 पेज थे तो 6 कॉपियाँ निकले, क्योंकि हर पेज की तो 2 कॉपियाँ इससे प्रिंट होगी। अब देखें पेज रेंज क्या होते हैं, ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि अपने पास अभी ये एक ही पेज है, जैसे करंट पेज, जैसे कई सारे पेज होते हैं एम एस वर्ड में, इसका पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे,
यहाँ इसको एक बार छोड़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दें कि इसमें कितनी कॉपियाँ प्रिंट निकालनी है, उतनी कॉपियाँ हम अप्लाई करके जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगी। अभी इसमें प्रिंटर हमने कनेक्ट नहीं कर रखा अभी, तो अभी प्रिंट नहीं करते हैं, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। सेंड से क्या होता है, ये अपनी फाइल कहीं इंटरनेट के माध्यम से कहीं मित्र के पास सेंड करनी हो तो हम कर सकते हैं, तो ये होता है। लेकिन इसके लिए अपने को मेल आईडी वगैरह की आवश्यकता होगी, तो ये जब इंटरनेट का पार्ट आएगा तब आपको हम बताएंगे। अब देखिए सेट एज बैकग्राउंड टाइल्ड, ये तीन ऑप्शन है, ये क्या काम होते हैं। ये जो अपनी पेंटिंग बनाई है हमने, इसको डेस्कटॉप पे पीछे बैकग्राउंड के रूप में लगाना है तो हम लगा सकते हैं। जैसे तीन तरीके से लगा सकते हैं, सेट एज बैकग्राउंड टाइल्ड ये हमने क्लिक कर दिया। अब इसको मिनिमाइज करके देखते हैं, ये देखो ये अपनी पेंटिंग है वो लग गई है बैकग्राउंड पे। अब देखो ये पेंटिंग देखो इसने दो बार लगाई है, ये देखो यहाँ तक है, नीचे दोबारा से लगा दी, यहाँ से भी दोबारा से लगाई इसने, क्योंकि एक बार मेरी पेंटिंग अपनी कवर नहीं हो रही, तो ये इस तरीके से लग गई। अब देखिए दूसरा ऑप्शन सेट एज बैकग्राउंड सेंटर्ड, ये क्या करेगा, अपने इस फोटो को बिल्कुल सेंटर में लगाएगा, बाकी जगह रहती है तो उसको खाली छोड़ देगा। अपनी जो ये पेंटिंग हमने बनाई इसको बिल्कुल सेंटर में लगाएगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है वो क्या करता है, स्ट्रेच वाला, ये इस पूरी पेंटिंग को फैला कर लगा देता है पूरे डेस्कटॉप पे, जगह जगह नहीं रहती इसमें, ये देखिए पूरा फैला के अपना डेस्कटॉप पूरा कवर करती है इसने, तो ये होता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है। ये फाइलों के नाम हैं जो हमने सेव किया, अभी फाइल वन फाइल टू पंक पंक, यहाँ से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और एग्जिट क्या होता है, एग्जिट से एग्जिट पे क्लिक करने से अपना पेंट बुश क्लियर हो जाएगा, हम इस पेंट बुश से बाहर आ जाएंगे, पेंट बुश अपना ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगा, हम इससे बाहर आ जाएंगे। अल्ट एफ फोर कंट्रोल पी, ये शॉर्टकट की यूज़ करने से भी ये सारे काम होते हैं जो हमने क्लिक करके किए हैं, ठीक है। तो एग्जिट पर क्लिक करने से क्या हो जाएगा, ये अपना पेंट बुश सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, हम इससे बाहर आ जाएंगे। ये देखिए मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, ये देखिए बंद हो गए, हम बाहर आ गए, ये अपना डेस्कटॉप है। मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ, दोबारा से कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ, ये फाइल मैंने ओपन कर ली। अब देखिए एडिट मेनू करते हैं, सबसे पहले है अंडू। अंडू वही है जैसे मान लिया इसमें हमने कुछ बदलाव कर दिया, तो इसको हम अंडू करके सही कर सकते हैं, हमसे कुछ गलती होगी तो एक स्टेप हम पीछे जा सकते हैं, ये हो गया अंडू। ये विंडो 10 है इसलिए हम इसमें अंडू काफ़ी बार कर सकते हैं, जितनी बार हमने बदलाव किया उतनी बार, और जो अपना विंडो XP है उसके अंदर हम तीन ही बार अंडू कर सकते हैं पेंट बुश के अंदर। रीडू क्या होता है, अंडू की चीज़ को वापस लेके आना, जैसे मान लिया एक स्टेप ज़्यादा पीछे चले गए तो अंडू की चीज़ को ये वापस ले आता है रीडू, और अंडू क्या करेगा वापस इसको पीछे ले जाएगा। इनकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड से भी अंडू होता है, रीडू कंट्रोल वाई से भी होता है। अब है कट कॉपी पेस्ट, ये क्या काम आते हैं, ये वैसे तो मैंने शायद कल बताए थे, फिर भी हम आज फिर से करते हैं एक बार। ये देखिए जैसे मान लिया यहाँ से मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे इसमें से मैंने कुछ नाम लिख लिया, जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, ये सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। तो कॉपी करनी है तो उससे पहले अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा भी किसको कॉपी करना है, जैसे मान लिया इस कंप्यूटर नाम की कॉपी करके अपने को यहाँ लेके आना है। एक होता है कॉपी पेस्ट, एक होता है कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट में तो क्या होगा, जैसे अपना ये मैटर है ये जहाँ से उठा रहे हैं वहाँ पे भी रहेगा और जहाँ लेके जाएंगे वहाँ पे भी जाएगा। और कट पेस्ट में क्या होता है, जहाँ से उठाएंगे वहाँ नहीं रहेगा, जहाँ लेके जाएंगे वहीं जाएगा, यानी वहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जाएगा कट पेस्ट में। अब देखिए इसकी कॉपी कैसे करते हैं, पहले कॉपी बताता हूँ। फाइल में गए, कॉपी पर क्लिक किया, अब इसकी कॉपी हो गई है कंप्यूटर शब्द की। अब इसको हम पेस्ट करेंगे तो ये आ गया, अब इसको उठाकर हम कहीं भी रख सकते हैं, तो ये हो गया कॉपी पेस्ट, यहाँ पे भी रह गया और ये दूसरी जगह भी आ गया, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है कट पेस्ट, वो क्या काम आता है, जैसे इस कंप्यूटर को अपने कट करना है तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, अब एडिट में जाएंगे वही कट पे क्लिक करेंगे तो ये कट हो गया, देखिए गायब हो गया वहाँ से, और पेस्ट करेंगे तो ये आ गया,
अब इसको हम कहीं भी रख सकते हैं। ये होता है कट पेस्ट, यानी जहाँ से उठाया वहाँ नहीं रहा, जहाँ लेके गए वहाँ गया ओनली, तो इसको बोलते हैं कट पेस्ट। अब देखिए कट पेस्ट के बाद में क्लियर सिलेक्शन क्या काम आता है। जैसे मान लिया ये अपने को एक नाम नीचे ये डिलीट करना है, तो सिलेक्ट करो और क्लियर सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा अपना, ठीक है। इसको बोलते हैं डिलीट करना। सिलेक्ट ऑल से क्या होगा, पूरी पेंटिंग सिलेक्ट हो जाएगी। देखो पेंटिंग की, पूरी पेंटिंग के चारों तरफ ही आ गया, पूरी पेंटिंग सिलेक्ट होगी। इसको पूरी पेंटिंग को डिलीट वगैरह हम एक साथ में कर सकते हैं जैसे ये, ठीक है। अंडू करें तो वापस आ जाएगा। तो ये होता है सिलेक्ट ऑल से पूरी पेंटिंग, यानी पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कॉपी टू पेस्ट फ्रॉम, ये क्या चीज़ है, ये दो इसकी मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। कॉपी टू और पेस्ट फ्रॉम। कॉपी टू क्या काम आता है, जैसे मान लिया हमने ये पेंटिंग बना दी, काफ़ी बड़ी सारी पेंटिंग अपनी। इस पेंटिंग में से अपने को ये केवल जो ये मकान है, ये झोंपड़ी है, ये अपने को पसंद आई है। हम चाहते हैं केवल ये इतनी फाइल अलग नाम से सेव हो जाए, यानी बड़ी पेंटिंग में से छोटी पेंटिंग निकालना हो तो उसके लिए हम कॉपी टू का काम यूज़ करते हैं। जैसे कॉपी टू पे क्लिक करेंगे, जो निकली फाइल है इसका नाम हमसे पूछेगा, ठीक है। तो हम इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, जैसे अपनी मर्जी से, जैसे मैं दे देता हूँ इसका नाम फाइल, ठीक है। जैसे ही सेव करेंगे ये फाइल, इतनी फाइल फाइव नाम से सेव होगी। हम इसको ओपन में जाकर देखेंगे तो अपने को मिलेगी, ये देखिए फाइल फाइव नाम से केवल इतनी फाइल अलग से सेव हो गई, ठीक है। और कॉपी टू इसका बिल्कुल उल्टा है, पेस्ट फ्रॉम इसका उल्टा है। कोई दूसरी पूरी बनी हुई फाइल या छोटी फाइल इसके अंदर से अपने इसके अंदर डालनी हो, यानी पहले से बनी हुई फाइल इस फाइल के अंदर डालनी है, तो हम लेके आ सकते हैं। जैसे पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इससे कोई भी हम एक फाइल ले सकते हैं, कोई भी फाइल ले सकते हैं, जैसे मान लिया ये फाइल ये ले लेते हैं। जैसे ओपन पे क्लिक किया ये आ गई फाइल, ये देखो इसका साइज हम कम भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया इसके कोने पे एक छोटा बिंदु होता है, इससे हम इसका साइज कम कर सकते हैं। देखिए इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या काम आई, कॉपी टू तो इस फाइल में से फाइल निकालना, छोटी फाइल क्रॉप करके जैसे बोलते हैं ना अपन, वही सिस्टम मान सकते हैं अपन। पेस्ट फ्रॉम क्या होता है, कोई दूसरी फाइल अपने इसके अंदर लेके आना, ठीक है। इसके बाद में व्यू मेनू आता है। व्यू मेनू में क्या है, टूल बॉक्स, कलर बॉक्स, स्टेटस बार, ये अपने को शो करनी है कि नहीं करनी, ये चीज़ हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। जैसे टूल बॉक्स के आगे से सही का चिन्ह हमने हटा दिया तो टूल बॉक्स गायब हो गया, देखो वापस लगा देंगे तो वापस आ जाएगा। ऐसे ही कलर बॉक्स के आगे से सही का चिन्ह हटा देंगे, कलर बॉक्स गायब हो गया, वापस लगा देंगे वापस आ गया। इसके आगे शॉर्टकट की जो या कंट्रोल टी करेंगे तो भी टूल बॉक्स गायब हो जाएगा, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे इससे कीबोर्ड से तो भी ये गायब हो जाएगा। कंट्रोल और एल ही दबाना है, प्लस नहीं दबाना है, प्लस बताया गया भी इसके साथ में ये दबाना है। स्टेटस बार हटानी है तो स्टेटस बार गायब होगी, देखो लगानी तो वापस आ जाएगी। टेक्स्ट टूल बार देखो ये हाईलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट टूल बार किसे बोलते हैं, जब ए से बॉक्स बनाते हैं नाम लिखने के लिए तो ऊपर ये वाली जो बार आती है, जिसका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, यहाँ से अपन इसका जो फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कौन से अंग्रेजी में लिखना है, यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये होती है टेक्स्ट टूल बार। अब देखिए वो हाईलाइट मिलेगा अपने को, देखो तो ये गायब करने तो हटा दो। अब हम इस ए से बॉक्स पढ़ाएंगे लिखने के लिए तो वो बार नहीं आएगी, ठीक है। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आएगी। अब की बार यहाँ से बॉक्स बनाएंगे तो अपने आप आएगी, क्योंकि हमने उसको शो कर रखा है, तो यहाँ से हम इसको हाइड या शो कर सकते हैं, ठीक है। जूम से क्या होगा, जूम से इसको हम जूम कर सकते हैं, जैसे 800% करना है, 400 करना है, ये जूम हो गया, ठीक है। वापस उसी साइज में लेके आना है तो वापस उसी में शो में कर लेंगे अपन, वापस उसी साइज में आ गए तो जूम से हम जूम कर सकते हैं। व्यू बिटमैप से क्या होगा,
इसको पूरी स्क्रीन पे देख सकते हैं अपन अपनी इस फाइल को। ये देखिए पूरी स्क्रीन पर अपने को ये दिखा देगा किस तरीके की फाइल अपने को दिखेगी। ठीक है, क्लिक कर देंगे तो वापस से हो जाएगी। तो ये था अपना व्यू मेनू, फाइल एडिट व्यू, तीन मेनू हमने बड़े अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं इमेज मेनू। ये भी बड़ा सिंपल सा और छोटा सा बढ़िया मेनू है। देखिए पहला है फ्लिप और रोटेट, ये क्या काम आता है, इससे हम फोटो को रोटेट कर सकते हैं। जैसे फ्लिप वर्टिकल कर देते हैं तो ये देखिए रोटेट हो गई ऊपर की तरफ, इसका मुंह हो गया, पेंटिंग उल्टी हो गई। ठीक है, अंडू करके इसको मैं सही कर लेता हूँ। तो रोटेट से हम रोटेट कर सकते हैं, कितनी डिग्री रोटेट करना वो भी हम कर सकते हैं। जैसे 90 डिग्री पे रोटेट करना है, 180 करना है, 270 पे करना है, कर सकते हैं। जैसे 90 डिग्री पे रोटेट करना है तो देखो 90 डिग्री पे रोटेट हो गई। तो इससे अपन फाइल अपनी रोटेट कर सकते हैं रोटेट से। ठीक है, हमें इसको अंडू करके एक बार सही कर लेता हूँ। इसके बाद में रीसाइज एंड रेस्क्यू, ये क्या काम आता है, जैसे इस पर क्लिक किया, रीसाइज हम दो तरीके से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यानी चौड़ाई में और वर्टिकल लंबाई में। रीसाइज का मतलब होता है इसका साइज बढ़ाना, बड़ा करना। ठीक है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल में हम 100 की जगह इसको 150 करके देखते हैं, 150 कर दिया मैंने। जैसे ओके करेंगे देखो साइज बढ़ गया, हॉरिजॉन्टल में चौड़ाई में इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, अंडू करके इसको मैं सही कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैं इसमें वर्टिकल यानी ऊपर की तरफ साइज भी बढ़ा सकता हूँ। जैसे ये किया मैंने, ये देखिए लंबाई में इसका साइज है वो बढ़ गया है। अब इसको मैं अंडू करके सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हम करे थे अपना इमेज मेन्यू। अब देखिए स्क्यू क्या होता है, स्क्यू का मतलब होता है तिरछापन लेके आना, झुकाना, कितने डिग्री पे अपने को तिरछापन लेके आना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये भी दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल अपने को 20 डिग्री अपने को स्क्यू करना है, झुकाना है, तो ये देखिए इस तरफ स्क्यू हो गया 20 डिग्री। अंडू करके सही कर लेता हूँ। इसी तरीके से हम इसको दूसरी साइड में वर्टिकल रूप से भी, जैसे 30 डिग्री अपने को करना है तो हम 30 डिग्री इसको स्क्यू कर सकते हैं। ये देखिए 30 डिग्री हो गई फाइल अपनी। ठीक है, अंडू करके मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये था अपना रिसाइज एंड स्क्यू। क्रॉप इसमें हाईलाइट नहीं है, क्रॉप वही होता है पिक्चर को कट करना। ठीक है, क्रॉप हाईलाइट कैसे होगा, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लिया अपने को इतनी क्रॉप करनी है फाइल, इसको सेलेक्ट कर लिया, अब क्रॉप पे क्लिक कर देंगे तो ये जितनी फाइल रह जाएगी बाकी सब का ये क्रॉप होगी इतनी फाइल। ठीक है, अंडू करके वापस ही कर देता हूँ। तो ये था अपना क्रॉप। इन्वर्ट कलर क्या होता है, इससे ये बैकग्राउंड ब्लैक कर देता है अपनी तरफ से। बैकग्राउंड ब्लैक करेंगे तो जो पहले से कलर इसमें डाल रखे हैं उन पर भी एक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इस ये करने से देखिए इस तरीके की फाइल अपनी हो जाती है, यानी बैकग्राउंड ये ब्लैक कर देता है इन्वर्ट कलर से। इसको मैं अंडू करके सही कर लेता हूँ। इसके बाद में देखिए एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या काम होता है। एट्रीब्यूट में हम सबसे पहले इसकी लंबाई चौड़ाई व्यवस्थित कर सकते हैं अपने जो फाइल है। इंच के अंदर करनी है तो ये है 14, 17 और 6, 34 सेंटीमीटर में करनी है तो ये है, और पिक्सल में करनी है तो ये है। पिक्सल क्या होते हैं, इंच सेंटीमीटर के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन पिक्सल क्या होते हैं। पिक्सल होते हैं जैसे कोई भी फ़ोटो को हम ज़्यादा जूम करके देखते हैं तो वो फ़ोटो अपने को फटी हुई दिखाई देती है काफ़ी जूम, ज़्यादा जूम करने पर, और वो छोटे छोटे डॉट्स के अंदर अपने को फटी हुई दिखाई देगी। तो जो जो डॉट्स होते हैं छोटे छोटे उनको पिक्सल बोलते हैं, उन डॉट्स को पिक्सल बोलते हैं। और एक इंच में कितने डॉट्स है उसको हम रेजुलेशन बोलते हैं। तो किसी फ़ोटो की रेजुलेशन जितनी अधिक होगी, पिक्सल जितने अधिक होंगे या डॉट्स जितने अधिक होंगे, फ़ोटो उतनी ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें पिक्सल कितने हैं, चौड़ाई में तो 1360 है और हाइट में 609 है डॉट्स। ठीक है, ये हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे इंच के हिसाब से करके देखते हैं। जैसे 14 6 है, इसको मैं 7 और 3 करता हूँ, जैसे मान लिया 7 और 3 साइज कर दिया। जैसे हम ओके करूँगा इसका साइज कम हो जाएगा। ठीक है, अंडू करके हम वापस सही कर लेता हूँ। इसके अलावा इसमें हम ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी इस पेंटिंग को। जैसे क्लिक करेंगे ये ब्लैक एंड वाइट में क्लियर हो कन्वर्ट होगी, रंग भी अपने ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है,
वापस सही करने के लिए अपन क्या करेंगे, इमेज में जाएंगे, एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, कलर्स पे क्लिक करके ओके करेंगे, ये हो गया। और इसको सही करने के लिए अपन अंडू करना पड़ेगा, दो बार अंडू करेंगे तो ये सही हो जाएगी। अब देखिए क्लियर इमेज से क्या होगा, इससे पूरी बनी हुई फाइल है वो क्लियर हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो भी हो जाएगा। ये देखिए क्लियर होगी फाइल, ठीक है, और अंडू करेंगे तो ये वापस सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे ड्रा ऑक्यूपी ये क्या काम होता है, जैसे मान लिया अपने को इस फ्री फ्रॉम सेलेक्ट, इसका नाम फ्री फ्रॉम सेलेक्ट है, इसे कोई मैटर हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने कट कर लिया। अब इसको पेस्ट करते हैं तो देखो इसके साथ में एक्स्ट्रा वाइट कलर आ रहा है, तो इसको हम उस जगह से ही सेट नहीं कर पाएंगे या एक्स्ट्रा वाइट कलर की वजह से अपने को प्रॉब्लम आएगी जहाँ पेस्ट करेंगे। तो हटाने के लिए ये सही करते से आगे से हटा देंगे तो हट जाएगा, जितना कट किया उतना ही रहेगा, ये देखिए, ठीक है। और ये लगा हुआ तो एक्स्ट्रा इसके चारों तरफ वाइट कलर आता है, और ये नहीं लगा होता तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रा के पी इसलिए काम होता है। तो ये पूरा इमेज मेनू अपना क्लियर हो गया है। अब देखिए कलर मेनू क्या काम आता है, एडिट कलर पे जैसे हम क्लिक करते हैं कलर एडिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से कलर ले सकते हैं, यहाँ पे अपने कलर नहीं मिलता है तो डिफाइन कस्टमर कलर करेंगे। यहाँ से जैसे मान लिया ये कलर चाहिए, कितना गहरा चाहिए अपने को या कितना कम गहरा चाहिए, वो चीज़ें यहाँ से व्यवस्थित कर सकते हैं। ये कलर तो अपने यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन वो गहरा कितना गहरा चाहिए कितना वो चाहिए वो अपने को अपनी मर्ज़ी से नहीं मिल पाता, तो हम वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये किया, जैसे ओके करेंगे वो कलर यहाँ जाएगा और इसको हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंडू करके हम सही कर देते हो थोड़ा सा, तो कलर से हम कलर को एडिट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है पेंट, उसका हेल्प, हेल्प से हम हेल्प्स ले सकते हैं। हेल्प टॉपिक पे क्लिक करते ही पेंट बूस के अंदर काम कैसे करते हैं वो चीज़ अपने सामने हेल्प के रूप में मिलेगा। विंडो एक्सपी उसमें तो वहीं दिख ओपन कर देता है, इसमें अपने ब्राउज़र के अंदर खोलता है पेंट बूस में काम कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। अभी इसमें नेट का कनेक्शन नहीं चल रहा शायद, उस वजह से अपने को नहीं शो होगा, लेकिन हेल्प मेन्यू से नाम से पता चल रहा है कि हेल्प टॉपिक यानी जहाँ से अपन हेल्प ले सकते हैं कि पेंट बूस के अंदर काम कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ से मिलती है। लास्ट टॉपिक है अबाउट पेंट, इस पर क्लिक करने से पेंट बूस के बारे में जानकारी बताता है कि किस कंपनी ने इसको बनाया है, कौन सी विंडो के अंदर चल रहा है, इस पेंट बूस का वर्जन कौन सा है, ठीक है। तो सारी जानकारी ले सकते हैं, कौन से यूजर अकाउंट में चल रहा है, तो सारी जानकारी यहाँ पर अपने को पेंट बूस के बारे में उपलब्ध करा देता है। तो ये था अपना पेंट बूस सॉफ्टवेयर, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर पूरे पेंट बूस सॉफ्टवेयर में से कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, या मेरे से कॉल करके भी पता कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।